अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर फाइंडर, इसका एक प्रोटोटाइप की जो असाइनमेंट आप लोगों की आई है, इसके वाइवा की प्रिपरेशन के मुतालिक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके जो वाइवा में क्वेश्चंस होंगे उनको क्लियर करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में, और आपके कोड को कैसे रन करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है, जो भी स्टेप्स होंगे मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा। पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि किस तरह से आपने ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है, वो वीडियो आपने देख लेनी है, क्योंकि ज़ैम्प सर्वर वही आप इंस्टॉल करें जो मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़ैम्प सर्वर का वही जाके आपने इंस्टॉल करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट था ना, उसका छोटा सा एक हिस्सा हमारे इस प्रोटोटाइप फेज़ में इन्होंने दिया हुआ है। काम क्या करना है, हमने एक इंटरफेस या एप्लीकेशन या वेबसाइट ऐसी बनानी है जिसमें सबसे पहले हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है। जब यूज़र रजिस्टर होता है उसके बाद उसको लॉगिन करवाना है। उसके पास ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको पासवर्ड भूल गया है तो वो अपने ईमेल एड्रेस से पासवर्ड को रीसेट करे, जिस तरह हम ऑनलाइन करते हैं। उसके पास अकाउंट की डिलीट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा चाहता है कि हाँ जी इस वेबसाइट पर मैंने अभी नहीं आना आज के बाद, तो फिर मैं अपना अकाउंट डिलीट करके चलता बनूं, जिस तरह हम फेसबुक से अकाउंट को डीएक्टिवेट, डिसेबल या फिर डिलीट करवा देते हैं। यूज़र प्रोफाइल मैनेज भी करना चाहिए, यानी अपना ईमेल अपडेट कर सके या फिर पासवर्ड या फिर यूज़र नेम, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन में ली हुई होगी वो जाके अपना अपडेट कर सके प्रोफाइल में। ठीक है जी, ये हमने किन लैंग्वेज में बनाना था, हमने इसमें HTML, CSS, JavaScript और PHP यूज़ करनी थी। ये जो हमारे पास होती है HTML और CSS, ये फ्रंट एंड के लिए होती है। JavaScript किसी भी वेबसाइट को बिहेवियर देने के लिए, जैसे कोई नोटिफिकेशन हम चाहते हैं कि अपना कोई एरर मैसेज आए तो हम JavaScript की मदद से वही एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। PHP डेटाबेस के साथ हमारी होती है लैंग्वेज, ठीक है, ये बैक एंड पे हमारे पास यूज़ होती है। इसके साथ हमने MySQL या ज़ैम्प सर्वर के साथ एक हमारा डेटाबेस होता है, उसको भी हम MySQL कहते हैं, उसमें हमारा आ जाता है। ठीक है जी, अब बहुत से लोगों को वैसे तो मैंने कोड प्रोवाइड कर दिया है, अगर किसी के पास कोड ना हो तो आपने LMS पे चले जाना है, CS619 प्रोजेक्ट के जब आप असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। ये थर्ड वाला आपका प्रोटोटाइप फेज़ है, ठीक है, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है प्रोटोटाइप का कोड, वो आपकी ज़िप फाइल में होगा। ठीक है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी ज़िप फाइल में होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, यानी फाइल CS619 समथिंग ऐसे लिखा हुआ होगा। तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इस सारे के सारे कोड को क्या करना है, आपने ऐसे आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने अगर आपके पास ज़ैम्प इंस्टॉल है, वो वीडियो देखी है आपने, तो इसके अंदर चले जाना है। एक फोल्डर होगा HTDocs, इसके भी अंदर चले जाना है आपने। ठीक है जी, फिर आपने यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लेना है, उस फोल्डर का आपको कोई भी नेम रख लेना है, मैं अभी के लिए इसको प्रोजेक्ट ये वाला नेम रख लेता हूँ। ठीक है जी, फिर आपने इसी फोल्डर को ओपन करना है, Ctrl+V करके आपने इसको पेस्ट कर देना है, जो भी आपके पास फाइल्स वगैरह होंगी सारी फाइल्स आपकी इसी फोल्डर में आ जाएंगी। ये काम करके ना आपने क्या करना है, फिर आपने ज़ैम्प सर्वर आपके पास इंस्टॉल होगा तो आपने ये ज़ैम्प कंट्रोल शॉर्टकट एक तरह से इस तरह का होगा, आपने इसको डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करना है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको ये पहले वाला अपाची सर्वर होता है ये हमारा, और ये MySQL जो हमारा डेटाबेस होता है, इसको आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट कर देने के बाद फिर आपने एडमिन पे क्लिक करना है, MySQL के एडमिन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर एक न्यू तरह की विंडो ओपन होगी इस तरह से। ठीक है जी, आपके पास नोट पैड होना चाहिए अभी के लिए, तो आपने यहाँ से देखना है कनेक्शन की फ़ाइल होगी या किसी की कॉन्फ़िग की फ़ाइल होगी, किसी की DB की फ़ाइल होगी, तो आपने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि किस तरह से आपने इसको एडिट करना है, तो आपने एडिट विथ नोट पैड करना है। ठीक है जी, जब आप नोट पैड करेंगे तो यहाँ से आपके डेटाबेस का नेम आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ से जो इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस का नेम है वो है ODDC, किसी का डायग्नोस्टिक होगा, किसी का डायग्नोस्टिक _DB के नेम से होगा। ठीक है, ये वैसे तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग फिर भी वीडियो नहीं देखते,
जो मैंने उनको लिंक दिया हुआ है, फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, जो भी आपका डेटाबेस का नेम हो वो आपका यहाँ से डेटाबेस बना लेना है आपने। अभी के लिए जो हमारे डेटाबेस का नेम था वो था ODD, मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ODDC ये अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि शुरू से ही मैं स्क्रैच से ही आपको ये सब समझा सकूँ। यहाँ से फिर हमने इसी डेटाबेस का जो नेम होगा ये वाला, ये कॉपी करना है Ctrl+C करके, यहाँ पे फिर Ctrl+V से हमने इसको फिर यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चूज़ फाइल करनी है। चूज़ फाइल, कौन सी आपने फ़ाइल को चूज़ करना है, आपने वही फ़ाइल चूज़ करनी है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक डेटाबेस के नेम से फोल्डर बना हुआ होगा, या फिर आपको एक एक्सटेंशन होगी, यहाँ से लिखा भी हुआ है SQL सोर्स फाइल, इसको सिलेक्ट करना है, यानी जिस फाइल का नेम आपके डेटाबेस से मैच करता होगा, ठीक है। फिर आपने ओपन करना है, तो ये आपने यहाँ से फिर गो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये गो पे क्लिक करना है तो ये सारी की सारी फाइल आपकी यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लिखना है लोकल होस्ट, और जो भी आपने फोल्डर का नेम अपने STDocs वाले फोल्डर में रखा है, हमने कौन सा फोल्डर का नेम रखा है, प्रोजेक्ट, तो मैं यही प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। /project ऐसे करके एंटर करेंगे तो ये हमारा ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। ये सबका अलग अलग ही है क्योंकि प्रोजेक्ट एक सा है, लेकिन इसके जो होम पेज में चेंजिंग की हुई है, मैंने किसी का इंटरफेस चेंज किया है, किसी का क्या, यानी सबका कुछ ना कुछ चेंज हुआ पड़ा है। जब ये आप कर लेंगे तो एक नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आपने क्या करना है, आपने एक कोड एडिटर डाउनलोड करना है जिसका नेम है VL Studio Code, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, जिस पहली वेबसाइट इनकी ओपन होगी, आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है, जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह, देखिए अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है पड़ा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, तो डेस्कटॉप पे आपके पास एक आइकन बन के आ जाएगा। आइकन यहाँ से शायद मेरे पास नहीं बना हुआ, लेकिन आपने यहाँ से क्या कर लेना है, VL Studio, ये है कोड, इसको आपने सर्च करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ये आपके पास फिर ओपन हो जाएगा। पहली बार में ये थोड़ी सी आपके पास से कुछ वैलिडेशन या वेरिफिकेशन करवाएगा, या अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो फिर गुड। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फिर फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ओपन फोल्डर करना है। जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपने वही STDocs के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट के नेम से, वही फोल्डर को आपने क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है, ठीक है जी। जब आप सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। एक बार ये सारी की सारी फाइल्स ओपन हो गई आपके पास, फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने देखें हर किसी की अपनी अपनी फ़ाइल बनी है, यानी टीचर हमसे पूछते हैं कि आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड किस फाइल में पड़ा है, तो ये रजिस्टर वाली फ़ाइल में पड़ा है, ठीक है। इसी तरह लॉगिन फॉर्म का कोड हमारी लॉगिन वाली फ़ाइल में पड़ा है। जब कोई बंदा लॉगिन करता है, लॉगिन के बाद हमारा एक होम पेज ओपन होता है, तो उसका कोड हमारी होम वाली फ़ाइल में पड़ा है। मैं बारी बारी बताता हूँ, ठीक है। और ये इंडेक्स वाला कोड हमारे पास क्या है, इंडेक्स वाला कोड हमारे पास यही है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आई थिंक कि इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर भी लगी थी, तो अभी ये लोड नहीं हो रही नेट कनेक्शन की वजह से। ठीक है जी, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये पिक्चर भी लोड हो गई इसकी। फिर टीचर आपसे क्या पूछ सकते हैं, टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि रजिस्टर करवाएं किसी बंदे को, ठीक है। सबसे पहले हमने किसी को रजिस्टर करवाना है, अभी के लिए मैं नासिर अब्बास, और ईमेल एड्रेस भी मैं क्या कर देता हूँ, नासिर@gmail.com, ठीक है।
फ़ोन नंबर कोई रैंडम सा दे देना है आपने, अपना दे दें तो भी बेस्ट है। फिर ये 123, यहाँ पे भी 123, फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर उसी बंदे को या उसी ईमेल से आपने लॉगिन करना है, ये नासिर, और इसके साथ @gmail.com। ठीक है, पासवर्ड हमारा 123 था, रिमेंबर मी पे क्लिक करना है तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ से फिर आप अपडेट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी ईमेल से आपकी, ये मैंने नासिर अब्बास लिखा था तो हमारा यूज़र नेम आ गया, जीमेल को अपडेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को या फिर पासवर्ड को भी। ठीक है, डिलीट प्रोफाइल भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। टीचर, आपके यहाँ से ये हमारा नेविगेशन बार होता है, इसमें से चेंजिंग करवा सकते हैं। ये हमने बूटस्ट्रैप से नेविगेशन बार हमने लिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये वीडियोस आपने यूट्यूब से देख लेनी है, कुछ मैं आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले जो आपने वीडियो देखनी है यूट्यूब से, वो है उसका आपने सर्च करना है हाउ टू मेक नेविगेशन बार इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, एक ये वीडियो देख लेनी है आपने। दूसरा HTML बेसिक्स या फिर HTML फॉर्म, ये वाली वीडियो आपने देख लेनी है। इंट्रो टू CSS, कुछ ये आपने वीडियो देख लेनी है। और जो लास्ट वीडियो है वो है PHP रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये चार आपने वीडियोस देख लेनी है, जो भी आपकी यूट्यूब से वीडियोस मिले वो आपने देख लेनी है इन टॉपिक्स पे, क्योंकि ये आपके वाईवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। यही हमारे मेथड्स जो हैं इसी प्रोजेक्ट में यूज़ हुए पड़े हैं अभी तक। ठीक है जी, तो फिर अब बेसिक्स की जानब चलते हैं। बेसिक्स में से यानी हमें टीचर क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं कि आपने चेंज करनी है। सबसे पहले वो कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ चेंज करें। आपने यहाँ से फ़ाइल का नेम लिखना है, देखना है कि कौन सी फ़ाइल में से चेंजिंग हमारे टीचर करवा रहे हैं। ये है home.php की फ़ाइल। ठीक है, तो आपने कोड एडिटर में जाना है, home.php पे क्लिक करना है, और ये देखें आपका एक नेविगेशन बार बना हुआ होगा। उसी नेविगेशन के बार के अंदर ये देखिए, ये इंक्लूड हुआ है आपका navbar.php। ठीक है, यानी ये वाली फ़ाइल इसमें आपकी इंक्लूड हुई पड़ी है। इसमें से जो भी चेंजिंग करेंगे वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें टीचर कहते हैं कि यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, तो आपने लॉग आउट के साथ क्या करना है, एक और ऑप्शन भी आपने यहाँ पे बना लेना है। हम कंट्रोल सी करते हैं और लॉग आउट से पहले एक और ऑप्शन, यानी मोस्टली वो कहते हैं अपने नेम से कुछ ऐड कर दे, तो मेरा नेम नासिर है तो मैं यहाँ पे नासिर पे क्लिक करके कंट्रोल एस आपने ज़रूर करना है। जब आप सेव करेंगे, यहाँ से जाके आप रिफ़्रेश करेंगे, तो ये लॉग आउट के साथ देखिए ये नासिर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ से सारी की सारी चेंजिंग करनी है। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि इसका जो टाइटल है, ठीक है, इसके साथ आपने क्या करना है, इसको चेंज करके अपना नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे भी अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने सेव करना है, फिर यहाँ पे रिफ़्रेश करना है, तो ये देखिए नासिर अब्बास आ गया यहाँ पे। या फिर ये वाला टेक्स्ट वो कहते हैं कि चेंज करें आप, तो ये वाला टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। सबकी, किसी की पिक्चर लगी हुई है, किसी का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना आप लोग ने। हमारी home.php की फ़ाइल थी और उसमें ये वाला टेक्स्ट लिखा था, ये वेलकम टू ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर है, मैं कहता हूँ वेलकम टू VUBWN। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे फिर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ से हमारा वेलकम टू VUBWN लिख के आ गया। टीचर कह सकती हैं कि ये बुक अपॉइंटमेंट है, इसका जो कलर है हमारे पास ब्लू है, आपने इसको चेंज करना है। तो देखना है, जब हम बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो हमारे जो कलर्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहला हमारा जो कलर होता है, पहला हमारा कलर जो होता है वो होता है प्राइमरी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी, तीसरा हमारा होता है, तीसरा टर्शरी नहीं होता, तीसरा होता है सक्सेस। ठीक है, चौथा होता है वार्निंग। ये हमारे बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, ये डार्क भी होता है हमारे पास। ठीक है जी, बूटस्ट्रैप में जब हम काम करते हैं तो हम उसमें रेड, वाइट, येलो, ब्लू, स्काई ब्लू ये नहीं देते। यहाँ पे जो हमारा कलर है प्राइमरी है, प्राइमरी की जगह पे मैं यहाँ पे सक्सेस ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा ये देखिए ये सक्सेस आ गया, यानी उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। वो यहाँ पे भी आपको चेंज करवा सकती हैं बटन्स वगैरह के कलर्स,
या फिर लॉग आउट करेंगे जब आप, तो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म में वो कह सकते हैं ये लॉगिन है। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक और टेक्स्ट पैनल यहाँ पे ऐड करें। तो वो आपने कैसे करना है, आपने लॉगिन के अंदर चले जाना है। जब आप वो यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है पासवर्ड, इसके साथ एक और चीज़ ऐड करें, ठीक है, मतलब एक और पासवर्ड ऐड करें। तो ये हमारे पास बटन्स होते हैं, ये इनपुट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनपुट हमारे पास ये पासवर्ड है, प्लेस होल्डर भी यहाँ पे देखो, टाइप भी पासवर्ड लिखी हुई है और प्लेस होल्डर भी यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को वाइवा में आसानी हो। आपने ये डिव यहाँ से कॉपी करना है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके नीचे आके पेस्ट कर देना है, ये फिर सेव करना है। फिर यहाँ से जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए आपका पासवर्ड एक और बन जाएगा। इसी तरह आप ईमेल एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ से ईमेल एड्रेस है, कहते हैं कि ईमेल एड्रेस को और डाल दें यहाँ पर, तो ये आपने कॉपी करना है और नीचे जाके पेस्ट करना है, फिर यहाँ से रिफ़्रेश करना है आपने। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ईमेल एक और आ गया। वो कहते हैं नहीं जी आपने लॉगिन है जो यहाँ पे, आपने इसका बटन्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी के लिए ये ब्लू है हमारे पास, तो बूटस्ट्रैप में हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले जो आपने कोशिश करनी है कि बटन का जो है, ये देखें हमारी जो इनपुट है इसका जो बटन है, क्योंकि हमने यहाँ पे CSS लगाई हुई है, यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप में काम नहीं किया हुआ। तो आपने इसकी इनपुट टाइप, टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, तो आपने देखना है कि टाइप इज इक्वल टू सबमिट पे हमारी जो CSS लगी हुई है वो कौन सी है। ज़रा ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल आप, तो यहाँ पे ये डॉट फॉर्म बटन और इसके अंदर टाइप इज इक्वल टू सबमिट जो है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये दिया हुआ है। फर्ज करें यहाँ पे हम फिर रेड कर लेते हैं, ये हमारी CSS होती है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप से अलग है क्योंकि यहाँ पे हम रेड, येलो, वाइट, स्नो वाइट, स्काई ब्लू सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से आप, अभी के लिए हमारा नहीं हुआ, हम देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ, शायद इसमें कोई ना कोई हमारे पास, अगर यहाँ से भी आपका ये काम ना कर रहा हो तो आपने स्क्रॉल अप करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सबकी कमेंट्स के साथ दिए हुए हैं कि हमने किस किस बटन पे या किस किस चीज़ पे CSS को अप्लाई किया हुआ है। तो इसका ऊपर वाला कोड था हमारे पास के सबमिट बटन के ऊपर हमने क्या करना है, कलर कैसे लगाया है, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाई थी बटन की, बटन के अंदर फिर हमने इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रेड रखा है, ठीक है। तो ये जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा रेड आ गया, ठीक है। जब हम इस पर हावर करते हैं तो ये हमारा ब्लू है, तो हम हावर वाली प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हम इस पर हावर करें तो ये येलो हो जाए हमारे पास। चेंजिंग वो यही करवाते हैं, बटन्स के कलर वगैरह को चेंज करवाते हैं, उनके अंदर जो फॉन्ट कलर होता है उनको चेंज करवाते हैं। CSS में हमारे पास एक अपना प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट की, या फिर फॉन्ट स्टाइल होता है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट वेट यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 800, यानी जब वो हावर करे तो उसका फॉन्ट वेट हमारे पास 800 पिक्सल हो जाए। अभी के लिए ये देखें ये कुछ नहीं हो रहा, जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, हावर करेंगे तो ये देखें इसका जो फॉन्ट वेट है हमारे पास वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। ये येलो कलर की वजह से हमारे पास अभी के लिए दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें दिख सके। और इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं जी 50 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि आपको फॉन्ट वेट का भी पता चल सके। जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा अभी के लिए बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज है, उसमें भी आपको चेंजिंग का कह सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पेज में जैसे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करें, इनपुट टाइप्स हैं वो चेंज करें, तो आपने वो किस तरह से करनी है। तो इसके लिए भी हमारा एक रजिस्टर का पेज बना हुआ है, तो इसमें जो हमने CSS को अप्लाई किया हुआ है वो हमने पहले, तो हमने बूटस्ट्रैप की मदद से इसको देखना है कि बूटस्ट्रैप की मदद से ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है कि या नहीं। अगर ये बूटस्ट्रैप की मदद से चेंज ना हो तो इसका मतलब है कि इस पे ऊपर हमने CSS को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी जो CSS है वो है टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। इसका आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है,
जो भी कर ले आप, ये ऐसे येलो में रख रहा हूँ यहाँ पे, जब इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास येलो आ जाता है। ठीक है, जब आप इस पर हावर करते हैं तो ये चेंज भी कर सकते हैं। ये था आपका वाइवा, इस तरह से वो आपको चेंजिंग करवा सकेंगे। अभी के लिए मैं एक और भी चीज़ आपको समझाऊँ, कुछ बेसिक्स का मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यू फाइल हम बनाते हैं यहाँ से, basics.html। ठीक है, HTML की बेसिक्स की एक हम फाइल बनाते हैं और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिक्स HTML की क्या होती है। ठीक है जी, टाइटल हम देते हैं बेसिक्स। वैसे आपने यूट्यूब से वीडियोस देख लेनी है, मैं आपको यहाँ से HTML का सिंपली एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ। ठीक है, HTML में जब हम काम करते हैं तो हम जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसी चीज़ का हमारे पास एक टैग होता है। जैसे फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि हमारे पास हेडिंग हो एक, तो हम H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नासिर अब्बास हो गया तो ये हमारे जो टेक्स्ट आ जाएगा वो हेडिंग में आ जाएगा। जब हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो टेक्स्ट होगा नासिर अब्बास, ये हमारे पास हेडिंग में आ जाएगा। HTML में 6 तरह की हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। एक होती है H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, इसी तरह जब हम H2 को बनाते हैं, ठीक है, दिस इज़ नासिर अब्बास, तो देखेंगे आप यहाँ से इसका जो हमारा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, माइनर सी चेंजिंग आएगी। लेकिन जब इसकी लास्ट वाली हेडिंग को हम देखेंगे, H6 हमारे पास होती है लास्ट वाली हेडिंग, ठीक है, दिस इज़ समथिंग। ठीक है जी, तो ये आप देखेंगे कि ये सबसे जो छोटा हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है ना, ये उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पैराग्राफ जब हम बनाते हैं HTML में, तो उससे भी हमारा ये कलर क्या होता है या फिर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो चेंज होता है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना हो, जस्ट आप पी का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास डमी टेक्स्ट होता है लोरम इप्सम, तो यहाँ से देखिए ये हमारा पैराग्राफ आ गया। इसी तरह हम इसमें फॉर्म भी एक बना सकते हैं। फॉर्म कौन से तरीक़ों से बनाते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे फॉर्म लिखना होता है तो आपको ये फॉर्म दे देता है। ठीक है, फॉर्म के अंदर हम टाइप्स, इनपुट टाइप्स होती हैं, इनपुट टाइप्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं। इनपुट टाइप का मतलब होता है कि आपने जो भी फॉर्म बनाना है यूज़र से उसका इनपुट लेना है। ठीक है, फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं फॉर्म में, वो होते हैं उसके मैथड। एक हमारा मेथड होता है गेट मेथड। गेट मेथड जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वो डेटाबेस से डेटा को लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो किस तरह से लेने के लिए यूज़ होता है, अगर मैं यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे चला जाऊँ तो देखिए हम 2 तरीक़ों से डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं। या तो हम SQL में क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस भी कहते हैं हम उनको, क्यूरीज भी कहते हैं। ठीक है जी, वो ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं वो भी आप जब लेक्चर सुनेंगे उसमें भी आपको वो पता चल जाएगा, या फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी PHP की भी। एक होता है हमारे पास गेट मेथड। गेट मेथड होता है हमारा डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के। एक होता है पोस्ट मेथड हमारे पास होता है। पोस्ट मेथड हमारा कौन सा आ जाता है, डेटाबेस में डेटा डालने के लिए हमारा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो हमारा पोस्ट मेथड होता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें अपडेट प्रोफाइल में जो हमारा डेटाबेस पहले तो रिट्राइव कर रहा है सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से, लेकिन जब हम उसमें डेटा को फिल करवा रहे हैं तो वो हमारा ये देखें पोस्ट मेथड की मदद से हमारे फॉर्म में जा रहा है। इसी तरह आप रजिस्टर वाले पेज पे जाएं तो इसमें जो हमारा फॉर्म बना हुआ इसका मेथड भी हमारा क्या है, पोस्ट ही है। ठीक है, ये देखें इसका मेथड जो हमारे पास पोस्ट है, या फिर लॉगिन है, लॉगिन का भी हमारे पास जो मेथड होगा फॉर्म का वो पोस्ट ही होता है, क्योंकि डेटाबेस में हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस में डेटा को डाल रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्म में हम इनपुट्स वगैरह लेते हैं। इनपुट्स हमारी कितनी तरह की होती है, वैसे तो बहुत तरह की इनपुट होती है। जैसे हमने इनपुट बना ली, ठीक है, एक इनपुट होती है हमारी, हम इनपुट किस लिए लेते हैं जी, आप समझ लें कि इनपुट, और इसकी एक टाइप होती है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, मतलब है कि यूज़र से आपने कोई सी टेक्स्ट इनपुट लेनी है। ठीक है जी, और एक मिनट,
आपने क्या करना है, आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। अभी इनपुट हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या टाइप इज इक्वल टू ईमेल हम बना लेते हैं, ठीक है। ईमेल यानी उसकी हमने यूज़र से एक ईमेल की सूरत में एक टेक्स्ट टाइप लेनी है। यहाँ पे जो हमारा ये देखिए पेज हमारा रिफ्रेश नहीं कर रहा था, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारी देखें, जब एंटर पे क्लिक करते हैं वो कहता है कि ईमेल यानी ऐट द रेट इसमें मिसिंग है, तो ये हमारी ईमेल हो गई। इसी तरह हमारी जो इनपुट दूसरी होती है वो होती है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट क्या होती है, हम यूज़र नेम वगैरह को लेने के लिए, ये देखें मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये अभी कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर लिख के जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एक ऑप्शन देता है HTML के वैलिडेशन का। अभी तो नहीं दे रहा अभी, क्योंकि हमने एक और दूसरी इनपुट बनाई हुई है इसकी। इस तरह डिफरेंट तरह के हमारे पास इनपुट्स होती हैं, वो आपने देख लेनी है वीडियो से। हम बटन्स भी बना सकते हैं, बटन के लिए हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये BTN या बटन, ठीक है, वैल्यू उसमें कौन सी है, सबमिट, तो ये हमारा एक सबमिट का एक बटन आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हम CSS वगैरह को भी अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं PHP में कितने तरह की क्यूरीज होती हैं। PHP में हमारे पास एक होती है जी इंसर्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अपने याद रखनी है। वैसे वाई इतना लंबा नहीं होगा, 5 मिनट का ही होता है। एक होता है हमारा इंसर्ट ऑपरेशन, एक होता है हमारा डिलीट ऑपरेशन, एक होता है हमारा जी सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा अपडेट ऑपरेशन। इंसर्ट हमारा ऑपरेशन क्या करवाता है, जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो भी हमारा डेटा यहाँ से जा रहा है, तो वो PHP की अगर यहाँ पर कोडिंग लिखी हुई हो तो ये पोस्ट ऑपरेशन की मदद से उसमें हमने डेटाबेस को डेटा दे दिया है, ठीक है, ये इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से, कि इंसर्ट इनटू मेंबर्स, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और आपका पासवर्ड होगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास कौन सा होता है, हमारा डिलीट ऑपरेशन होता है। जब हम प्रोफाइल को डिलीट करते हैं, यहाँ पर एक डिलीट प्रोफाइल का पेज होगा, तो ये देखें ये डिलीट का ऑपरेशन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, कि डिलीट यूज़र्स प्रोफाइल, ठीक है। और फिर हमारा होता है जी सेलेक्ट का, सेलेक्ट का वही होता है कि डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव भी करवा सकते हैं हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से, अपडेट स्टेटमेंट की मदद से डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल थी हमारे पास एक पेज, तो उसमें जो भी डेटा हम बाद में फेच करवा रहे थे, यूज़र से ले रहे थे, तो एक अपडेट स्टेटमेंट की मदद से हमारे यहाँ पर पुट हो रहा था, ठीक है जी। ये आपकी थी जी वाइवा की प्रिपरेशन की एक वीडियो, और आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम काम करते हैं। अगर ये वीडियो और वो साथ वाली ये 4 वीडियो आप देख लें तो इंशाल्लाह आप वाइवा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।